नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका मेंटर भव्यकवल फ्रॉम विस्क्राफ्टर। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था हिस्ट्री ऑफ ऑटोकैड, ऑटोकैड की हिस्ट्री क्या है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था ऑटोकैड का इंटरफेस कैसा दिखता है। तो उसी जर्नी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे अपनी इस वीडियो में कि कैसे हम एक नई ड्राइंग पे काम शुरू करते हैं, कैसे यूनिट लिमिट सेट करते हैं। गाइज, आप लोगों के बहुत सारे रिक्वेस्ट आए मेरे पास, बहुत सारे कमेंट्स आए। तो उन कमेंट्स में मैंने देखा कि आप लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वीडियो समझने में, आप चाह रहे हैं कि मैं आपको ऑटोकैड बहुत डीप जाऊं और डीप जा सकूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत डीप तक ले जा पाऊं और आपको बहुत सारी चीजें क्लियरली समझा पाऊं। तो जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप अपने पूरी नॉलेज को एनहेंस कर सकें। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बोलूंगा थैंक यू, थैंक्स अलॉट कि आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब किया, बट आप लोग शायद बेल आइकन दबाना भूल गए हैं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जिसमें हम लोग यूनिट्स एंड लिमिट्स को कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन आवर। सो गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यह है इंटरफेस ऑफ ऑटोकैड। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ये वेलकम स्क्रीन है जिसके ऊपर हमारे पास तीन सेगमेंट होते हैं। पहला सेगमेंट होता है गेट स्टार्टेड सेगमेंट, जहाँ पे हमारे पास स्टार्ट ड्राइंग का ऑप्शन होता है, जहाँ से हम नई ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। सेकंड होता है रिसेंट डॉक्यूमेंट सेगमेंट, जिसमें आपके पुराने डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आपके सामने नजर आते हैं। थर्ड होता है नोटिफिकेशन एंड कनेक्ट सेगमेंट, जिसके अंदर ऑटोडेस्क से आने वाले नोटिफिकेशन आपके सामने आते हैं। तो गाइस, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो स्टार्ट ड्राइंग है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो उसमें प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसमें हमारा पहला जो डिफॉल्ट टेम्पलेट है डेट इज कॉल्ड acad.dwt। इसमें हमारे पास एक टेम्पलेट और होता है डेट इज कॉल्ड acad.iso.dwt। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था acad.dwt जो है ये बेसिकली आर्किटेक्चर और इंटीरियर पीपल के लिए होता है, और जो हमारे पास acad.iso है ये मैकेनिकल वाले लोगों के लिए होता है। तो इन दोनों में फर्क क्यों है? बिकॉज जो तरीका है मैकेनिकल वालों के काम करने का और जो आर्किटेक्ट्स के काम करने का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैकेनिकल वालों की जितने भी ड्राइंग्स होती हैं, जितने भी उनके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक अगर वो कोई मशीन बनाते हैं तो वो हमेशा मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में मेजर करते हैं। बट अगर हम बात करें आर्किटेक्ट लोगों की, तो वो लोग जो काम करते हैं फीट इंचज में काम करते हैं। सिविल वाले भी फीट इंचज में काम करते हैं गाइस, बट आप कंफ्यूज मत होइएगा। सिविल वालों के जो इंचज होते हैं वो बेसिकली फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होते हैं, लाइक 1/2, 1/4 की फॉर्म में नहीं होते हैं, वो पॉइंट्स की फॉर्म में होते हैं। वो मैं आपको अभी यूनिट्स में बताऊंगा कैसे करते हैं। तो किसी भी ड्राइंग को चालू करने से पहले आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप क्या बनाने जा रहे हैं। तो पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं, गेट स्टार्टेड। हम यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक ड्राइंग का पैलेट खुल जाता है। अगर आप इसे देखेंगे, ये बीच में जो है ये ड्राइंग एरिया है। अब ऑटोकैड को ये नहीं पता गाइस कि मैं मैकेनिकल से हूँ, सिविल से हूँ, आर्किटेक्ट से हूँ, या आप मैकेनिकल से हैं, सिविल से हैं, आर्किटेक्चर से हैं, तो आपको इसको बताना पड़ेगा। तो आप इसे कैसे बताएंगे, वो आप बताते हैं यूनिट की हेल्प से। तो यूनिट्स को यहाँ सिलेक्ट करने के 2-3 तरीके होते हैं। हमारा जो ये ऑटोकैड है ना, ये GUI और CUI, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड यूजर इंटरफेस दोनों पे काम करता है। तो कमांड यूजर इंटरफेस का मतलब है ये जो नीचे कमांड लाइन दिख रही है, मैं इसमें इसको कमांड दूंगा और ये अपना ऑपरेट होगा, या फिर ये है कि मैं इसको कहीं पे क्लिक करके भी ऑपरेट कर सकता हूँ। बट मैं यहाँ देखूँ तो मेरे पास यूनिट्स का यहाँ पे आइकन नहीं आ रहा, बिकॉज यहाँ पे मेन्यू बार मेरा क्लोज है। तो सबसे पहले समझते हैं हाउ टू ओपन मेन्यू बार। मेन्यू बार ओपन करने के लिए आपको पता ही है इसको क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपके सामने नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे, यहाँ आ रहा शो मेन्यू बार, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने मेन्यू बार शो हो जाएगा, जैसे देख रहे हैं फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ये आपका मेन्यू बार शो होने लगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको मेन्यू बार आप यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, मैंने आपको भी बताया। क्विक एक्सेस टूल बार में क्लिक करके आप शो भी कर सकते हैं और यहीं से आप उसको हाइड भी कर सकते हैं। आइदर आप चाहें तो कमांड से भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे नीचे टाइप करेंगे menubar मेन्यू बार और आप एंटर कर देंगे तो आपसे पूछेगा एंटर न्यू वैल्यू फॉर मेन्यू बार। गाइस, आप एक चीज बिल्कुल ध्यान रखिए, ऑटोकैड जो है ये हमें हर चीज बताता है विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन। ये कमांड लाइन पे हमें हर चीज शो करेगा, आप बस पढ़िए और काम कीजिए, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। जैसे यहाँ पे कह रहा है एंटर न्यू वैल्यू फॉर मेन्यू बार, अब हमें न्यू वैल्यू नहीं पता है मेन्यू बार की, बट जो आपके सामने ग्रेटर देन और लेस देन साइन के बीच में जो लिख के आ रहा है, ये होते हैं हमारे पास ऑप्शंस की। ये हमारे पास पहले से प्रीडिफाइंड 1 आ रहा है, अगर आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे अगर 0 कर दिया, 0 करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे मेन्यू बार ऑफ हो जाता है। तो ये बेसिकली 0-1 पे काम करता है, 0 का मतलब ऑफ होता है, 1 का मतलब ऑन होता है। तो जैसे ही मैंने 0 क्लिक किया, ऊपर से मेन्यू बार चला गया। मैं वापस लिखता हूँ मेन्यू बार, मेन्यू बार में जाके जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको 1 कर दिया तो मेन्यू बार मेरे सामने शो होने लगा। तो यहाँ पे आपको गाइस आई थिंक तो समझ आ गया होगा कि मेन्यू बार कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है। तो वापस आ जाते हैं यूनिट्स के ऊपर कि यूनिट्स कैसे काम करते हैं, यूनिट सिलेक्ट कैसे करते हैं। तो यूनिट सिलेक्ट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला, हम मेन्यू बार के फॉर्मेट में जाएं और यहाँ पे ड्राइंग यूनिट्स पे क्लिक कर दें, राइट, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर
जैसे हर चीज का एक शॉर्टकट होता है, ऐसे ही हमारे पास हर कमांड का एक शॉर्टकट है जिसका ऑटोकैड की लैंग्वेज में बोलते हैं एलियास। तो वो एलियास क्या है यूनिट्स का? यूनिट्स का एलियास है UN एंटर। जैसे ही आप नीचे UN लिखेंगे और एंटर करेंगे तो अपने आप यूनिट्स आपके सामने एक यूनिट्स का पॉपअप बॉक्स खुल जाएगा। तो एंटर हमारे पास गाइस आपको पता ही है कीबोर्ड में दो होते हैं, एक सेंटर में एंटर होता है, एक आपका बॉटम राइट कॉर्नर पे आपके एंटर होता है। आप दोनों यूज कर सकते हैं, आइदर जो आपका स्पेस बार है वो भी एंटर की तरह ही काम करता है, अब उसको भी एंटर की तरह यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने एंटर किया यूनिट्स में गया तो मेरे सामने एक पॉपअप बॉक्स खुल के आ गया। यहाँ पे हमारे पास पॉपअप बॉक्स पे आप देखेंगे ध्यान से तो यह टाइप आ रहे हैं, लेंथ आ रहा है, एंगल आ रहा है, इंसर्शन स्केल आ रहा है। तो लेंथ के अंदर जब आप जाएंगे, लेंथ के टाइप में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे पांच ऑप्शन आएंगे, आर्किटेक्चर, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल एंड सेंटर। अब इन पांचों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करूं तो आर्किटेक्चर वो लोग सिलेक्ट करेंगे जो आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर है, जिनकी जो यूनिट्स होंगी वो फीट इंचेस होंगी। जो मैकेनिकल वाले हैं जिनकी यूनिट्स मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर होगी या फिर वो किलोमीटर पे काम करेंगे, वो डेसिमल सिलेक्ट करेंगे। जो सिविल इंजीनियर है जिनकी यूनिट्स तो फीट इंचेस है बट इंचेस जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है, वो पॉइंट्स की फॉर्म में है, लाइक 2 डेसिमल तक 3 डेसिमल तक है, वो इंजीनियरिंग यूज करेंगे। जितने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जिनके पास कोई भी यूनिट फीट इंचेस में भी नहीं होती है, वो फ्रैक्शनल में यूज करते हैं, 1/2, 1/4 के, वो फ्रैक्शनल में यूज करेंगे। या जितने साइंटिस्ट काम करते हैं जिनकी यूनिट जो होती है e^n की फॉर्म में होती है, वो साइंटिफिक वैल्यूज को यूज करेंगे। तो आपके पास ये पांचों चीजें हैं, अब आप जोन सी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। लाइक एज मैं अभी के लिए मैकेनिकल के लिए डेसिमल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं जैसे ही डेसिमल को सिलेक्ट करता हूँ, नीचे मुझसे पूछता है प्रिसीजन। मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया कि ऑटोकैड में हम काम क्यों करते हैं, बिकॉज इसकी जो हमारे पास ड्राइंग होती है वो बहुत प्रिसाइज होती है। तो कितनी प्रिसाइज होती है वो हम यहाँ देख सकते हैं। प्रिसाइज का मतलब होता है कितने डेसिमल तक वो एक्यूरेट होगी। लाइक एज कि अगर मेरे पास कोई ड्राइंग है जिसकी एक लाइन है जिसकी डायमेंशन है 6.4296, इसका मतलब है ये 4 डेसिमल तक प्रिसाइज है। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ ऑप्शन आते हैं, 1 डेसिमल प्रिसाइज, 2 डेसिमल तक, 3 डेसिमल तक, 4 डेसिमल तक, 5, 6, 7, 8, तो मैक्सिमम 8 डेसिमल तक हम प्रिसाइज चीज इस पे बना सकते हैं। और भी सॉफ्टवेयर्स हैं मार्केट के अंदर, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स हैं जिन्होंने ऑटोकैड को कॉपी करने की कोशिश करी है बट वो इस चीज को कॉपी नहीं कर पाए हैं कि वो आपको 8 डेसिमल तक वैल्यू दे पाए। तो अब यहाँ से 4 डेसिमल सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमारी स्टैंडर्ड चलती है। तो प्रिसीजन आप लोगों को समझ आ गया होगा क्या होता है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं इंसर्शन स्केल। तो आपने डिसाइड तो कर लिया कि आपने डेसिमल में काम करेंगे बट आपने ये डिसाइड नहीं किया कि आप मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और या किलोमीटर में काम करने वाले हैं, तो आप इंसर्शन स्केल। तो इंसर्शन स्केल गाइस हमेशा हम लोग मिनिमम वैल्यू का रखते हैं, लाइक एज मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर में सबसे छोटा है मिलीमीटर तो हम मिलीमीटर में काम करेंगे, फीट इंचेस में सबसे छोटा है इंचेस, बिकॉज इंचेस मिलती है तो फीट बनता है। ऐसे मिलीमीटर मिलते हैं मतलब 10 मिलीमीटर बनते हैं तो 1 सेंटीमीटर बनता है, 10 सेंटीमीटर मिलते हैं तो 1 डेसीमीटर बनता है, 10 डेसीमीटर मिलते हैं तो 1 मीटर बनता है। तो ऐसे जो लीस्ट वैल्यू होती है आपको वो सिलेक्ट करनी होती है। तो मैं यहाँ जाता हूँ इंसर्शन स्केल में, तो बहुत सारे इंसर्शन स्केल आ रहे हैं, यूनिटलेस आ रहा है, इंचेस आ रहा है, फीट आ रहा है, यूएस सर्वे आ रहा है, माइल्स आ रहा है, मिलीमीटर आ रहा है, तो मैं यहाँ से मिलीमीटर को सिलेक्ट कर लूंगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि लेंथ कैसे सिलेक्ट करते हैं, प्रिसीजन कैसे सिलेक्ट करते हैं और इंसर्शन स्केल कैसे सिलेक्ट करते हैं। अब बात आती है जब हम एंगल्स की फॉर्म की बात करेंगे कि हमें एंगल किस वैल्यू में चाहिए। तो एंगल्स में भी हम बहुत सारी वैल्यूज में बता सकते हैं, डेसिमल, डिग्री, डिग्री मिनट, सेकंड, ग्रेडियन, रेडियन, सर्वे यूनिट्स। अब इनके बारे में गूगल पर सर्वे करेंगे आपको इजीली पता लग जाएगा क्योंकि ये पूरा मैथमेटिक्स है, आपको पूरी बुक्स हैं इसके ऊपर 12th में 10th में, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो हम इसके अंदर डेसिमल डिग्री सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप इसको भी प्रिसीजन डालना चाहें तो आप प्रिसीजन में यहाँ से भी प्रिसीजन को आप डाल सकते हैं, 1 डेसिमल, 2 डेसिमल, 3 डेसिमल, 4 डेसिमल, जितने भी डेसिमल आपको चाहिए वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ से आपके पास हमने प्रिसीजन आ जाते हैं, आप जो भी प्रिसीजन लेना चाहें वो आप यहाँ से प्रिसीजन आराम से इजीली ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है क्लॉकवाइज, चेक मार्क नहीं लगा हुआ। मैं आपको बता दूं गाइस, ऑटोकैड जो है ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज वर्क करता है। लाइक एस ईस्ट की तरफ हमारा 0 डिग्री होता है, नॉर्थ की तरफ हमारा 90 होता है, वेस्ट की तरफ हमारा 180 होता है, साउथ की तरफ हमारा 270 होता है। इट्स ऑलवेज बीन एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो अगर आप कभी चाहते हैं कि आपकी जो एंगल्स की कैलकुलेशन है वो क्लॉकवाइज हो जाए तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ये क्लॉकवाइज काम करने लगेगा। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था कि यूनिट्स कैसे सेट करते हैं। तो आपने यहाँ पे डेसिमल में गए, प्रिसीजन में गए, मिलीमीटर में गए और आपने यहाँ पे ओके कर दिया, तो आपकी यूनिट सेट हो गई। अब ऑटोकैड को पता लग चुका है कि भाई हम लोग मैकेनिकल वाले हैं और मैकेनिकल के अंदर ड्राइंग्स बनाने वाले हैं, तो ऐसे करके आप मैकेनिकल के यूनिट्स सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सपोज आप आर्किटेक्ट हैं तो मैं उसका भी एग्जांपल ले लेता हूँ कि आर्किटेक्ट में यूनिट्स कैसे सेट होती हैं। तो आप यूनिट्स में जाइए यहाँ से, उसके बाद आप यहाँ से जाके आर्किटेक्चर सेलेक्ट कीजिए, आप अपना प्रिसीजन वैल्यू दीजिए। प्रिसीजन वैल्यू आप यहाँ देखेंगे तो जो आपके जो इंचेज है वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है, 1/2 इंच, 1/4 इंच, 1/8 इंच, 1/16 इंच, तो आप उसकी फॉर्म में यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं इसको 0 फीट 0 इंचेज ले लेता हूँ ताकि मैं ज़्यादा प्रिसीजन में ना जाऊँ। पर अब मैं इंसर्शन स्केल चेंज नहीं करता हूँ,
आर्किटेक्ट हूँ बट मैं इंसर्शन स्केल मिलीमीटर रखता हूँ और मैं इसको ओके करता हूँ, देखता हूँ क्या होगा। जैसे मैंने इसको ओके किया, उसने मेरे को एक नोटिफिकेशन दी, एक मेरे को बताया कि भाई आप गलत जा रहे हो, आप आर्किटेक्ट हो, आप फिटिंग चीज में काम करते हो, यूज योर आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग लीनियर यूनिट्स, इंसर्ट यूनिट शुड बी इंचेस। वो कह रहा है आपकी इंसर्शन यूनिट जो है वो इंचेस होना चाहिए, मिलीमीटर नहीं होना चाहिए, बट फिर भी अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो आप कर लीजिए, पर उसने आपको एक नोटिफिकेशन दिया। कहने का मतलब ये है कि आर्किटेक्ट लोग जो हैं वो मिलीमीटर में काम नहीं करते हैं ज्यादातर लोग, बट हाँ आज के टाइम पे लोग करने लगे हैं तो आप मिलीमीटर भी कर सकते हैं यहाँ से। आइदर आप डेसिमल के साथ ही मिलीमीटर रखिए और आर्किटेक्चर के साथ जब आप यहाँ से जाते हैं तो आप यहाँ से इंचेस को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप अब ओके करेंगे तो आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपकी यूनिट्स उसके हिसाब से सेट हो जाएंगी। तो आई होप गाइस कि आपको यूनिट समझ आई हो। हाँ, अब पीछे से हो सकता है कुछ लोग बोल रहे हो कि सर सिविल वाली यूनिट्स के लिए क्या होता है, तो आप यूनिट्स में दोबारा से जाइए, यूनिट यूएन करके आप एंटर कीजिए, यहाँ से आप सिविल के लिए इंजीनियरिंग में चले जाइए। यहाँ प्रिसीजन देखेंगे तो आपका डॉट्स में प्रिसीजन आ जाएगा, मतलब पॉइंट्स में आ जाएगा, 4 points, 3 points, 2 points में प्रिसीजन आ रहा है, आप जो सिलेक्ट करना चाहें वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम चीज आपका डेसिमल डिग्री में प्रिसीजन तो वैसे ही रहते हैं, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। और इंचेज में अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो इंचेज में सिलेक्ट कर लीजिए, इसमें भी अगर आप मिलीमीटर में सिलेक्ट करते हैं और अगर आप ओके करते हैं तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन एरर आता है, आप उसको सिलेक्ट बता रहा है आपको, आप चाहें तो कर लीजिए चाहे तो ना कीजिए, या फिर आप सिंपल यहाँ से जाइए मिलीमीटर में और यहाँ से इसको आप इंचेस कर दीजिए और आप इसे ओके कर दीजिए, तो आपके सामने यूनिट सेट हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपनी यूनिट सेट कर दी कि हमारे जो ड्राइंग एरिया है जिसमें हम काम करने वाले हैं, जिसमें हम अपने ऑब्जेक्ट्स बनाने वाले हैं, उसकी यूनिट्स क्या होने वाली है। तो गाइज नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट्स, कि लिमिट्स क्या होती है। तो लिमिट्स बताने से पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जैसे सपोज करते हैं कि अगर मुझे कोई भी ड्राइंग बनानी है और मैंने एक ड्राइंग शीट ली है, तो जो ड्राइंग शीट होती है वो मेरी लिमिट्स होती है। बचपन में हम लोगों ने चार्ट पेपर पे चार्ट बनाए हैं, तो वो जो चार्ट पेपर की जो बाउंड्री होती है वो हमारी लिमिट्स होती है। लाइक एज हमारे घर का जहाँ पे हम बैठते हैं, जैसे हमारा जो एरिया होता है, हमने उसमें भी एक लिमिट डिसाइड कर रखी होती है, हमारी लिमिट्स है। हमारे प्लान जो होते हैं उसमें एक बाउंड्री होती है, वो हमारी लिमिट होती है। ऐसे ही ऑटो कैड के अंदर ये जो ड्राइंग एरिया है ये इतना वास्ट है कि इसके अंदर आप कुछ भी बना सकते हैं, बट इस पूरे वास्ट एरिया में भी आपको एक स्पेसिफिक चीज डिसाइड करनी पड़ती है, स्पेसिफिक एरिया डिसाइड करना पड़ता है जो आपकी लिमिट्स होंगी। तो लिमिट्स कैसे डिसाइड करते हैं, उसके लिए सबसे पहले गाइज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको परफॉर्मेंस में जाना पड़ेगा, सबसे पहले जाना पड़ेगा ड्राइंग लिमिट्स में। जैसे गाइज आप ड्राइंग लिमिट्स में जाते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है लिमिट्स स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। अब ये नीचे लोअर लेफ्ट कॉर्नर अपर राइट कॉर्नर की बात करेगा, बट हमारे पास तो बहुत फास्ट एरिया, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि लिमिट्स कहाँ से शुरू करनी है, कहाँ पे खत्म होगी। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो एडेप्टिव ग्रिड है जो पूरी वास्ट आ रही है, पहले मेरे को इसको अपनी लिमिट्स के हिसाब से सेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे सेट करेंगे गाइस, किसी भी कमांड से बाहर आने के लिए हमारे कीबोर्ड पे एक बटन होता है एस्केप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए, आप कमांड से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर टाइप ऑफ कमांड लिखा हुआ, इसका मतलब फ्री है मूव करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इस अडेप्टिव ग्रिड को बंद करते हैं। वो कैसे बंद करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है, दैट इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग सेटिंग्स। उसके लिए आप एंटर करेंगे डी एस एंटर। जैसे आप ड्राफ्टिंग सेटिंग्स एंटर करेंगे, यहाँ पे ऊपर टैब्स आ रहे हैं, इसमें स्नैप एंड ग्रिड टैब में या नीचे एक ऑप्शन आ रहा है डिस्प्ले ग्रिड बियॉन्ड लिमिट्स, आप इस पर यहाँ पे चेक मार्क को हटा देंगे और ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करेंगे आप देखेंगे ये देख रहे हैं छोटी सी यहाँ पे ग्रिड बनी आई है, आप उसे जूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रॉल। स्क्रॉल को ऊपर करेंगे तो जूम इन होगा, स्क्रॉल नीचे करते हैं जूम आउट होगा, स्क्रॉल को दबा के अगर आप मूव करते हैं तो पैन होगा। हर सॉफ्टवेयर में सेम होता है, इतना आपको पता होगा कि जूम इन जूम आउट और पैन क्या होते हैं। फिर से बता देता हूँ, जूम स्क्रॉल को ऊपर करेंगे जूम इन होगा, स्क्रॉल को बाहर करेंगे जूम आउट होगा, स्क्रॉल दबा के अगर आप रखेंगे तो पैन होगा। तो इसकी हेल्प से आप यहाँ पे आप उसको बीच में रख सकते हैं। आप देख रहे हैं पहले जो ग्रिड बहुत बड़ी आ रही थी, अब वो इस लिमिट के अंदर आ गई, एक साइज के अंदर आ गई। क्यों? बिकॉज जो आपने नया न्यू ड्राइंग किया था तो आपने उसमें एक टेम्पलेट डिसाइड किया था AutoCAD.DWT, और उस टेम्पलेट में प्री डिफाइंड सेट है कि उसके लिमिट्स का साइज क्या होना चाहिए। तो फिर भी जैसे हम कोई नई ड्राइंग लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यूनिट सेट करते हैं। हमने आपको बताया था अभी कैसे सेट करते हैं, यूनिट्स में जाते हैं डायरेक्टली, यहाँ से आपको जो भी सिलेक्ट करना है, सपोज आर्किटेक्चर सेलेक्ट करना है, आप आर्किटेक्चर में जाते हैं, यहाँ से इंचेस सेलेक्ट करते हैं और आप इसे ओके कर देते हैं। अब लिमिट सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ से जाते हैं अपना किसके अंदर जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ मिलेगा आपको ड्राइंग लिमिट्स, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो गाइस एक चीज और ध्यान रखिए, जो भी है, जो भी आपको ऑटोकैड बताना चाहता है वो सब नीचे आपको मेंशन करके देता है, आपको ज्यादा वो नहीं करना है, आपको सिर्फ नीचे पढ़ लेना है। जैसे लिखा हुआ स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर मतलब लोअर लेफ्ट कॉर्नर, इस कॉर्नर की बात कर रहा है। और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में ऑप्शन आ रहा है ऑन एंड ऑफ, इसका मतलब है कि आप उसे ऑन कर सकते हैं, आप उसे ऑफ कर सकते हैं। अभी आप लिमिट सेलेक्ट कर रहे हैं, ऑन ऑफ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ग्रेटर देन एंड लेस देन साइन के बीच में वैल्यूज लिख के आ रही है 0 feet 0 inch, 0 feet 0 inch, मतलब शुरुआत जो हो रही है एक्स एंड वाई के फॉर्म में वो 0 feet 0 inch से शुरुआत हो रही है। तो मैं इसको वापस 0.0 ही कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ। अच्छा, ये जो मैं जीरो ले रहा हूँ गाइज, ये क्या है, ये इंचेज है, बिकॉज मैंने यूनिट में इंसर्शन स्केल क्या सिलेक्ट किया, इंचेज। तो यहाँ पे प्री डिफाइंड इंचेज लेके चल रहा है वो।
जैसे आप यहाँ पे इसको ओके कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। अपर राइट कॉर्नर इस कॉर्नर की बात कर रहा है और अभी डिफॉल्ट वैल्यू जो आ रही है प्रीवियस वैल्यू आ रही है 35 फीट एंड 0 इंच एंड 24 फीट एंड 9 इंच। 35 फीट 0 इंच मतलब एक्स एक्सिस तरफ रेड लाइन जो दिख रही है आपको वो 35 फीट की है और जो ग्रीन लाइन दिख रही है वो 24 फीट 9 इंच की है। तो आप उसके हिसाब से यहाँ की वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो सपोज लिमिट्स गाइस अगर मेरे को एक प्लान बनाना है उस प्लान का साइज है 30 फीट बाय 30 फीट तो मेरी जो लिमिट्स होंगी ना वो उससे थोड़ी सी ज्यादा होंगी। ऐसा नहीं है 30 फीट बाय 30 फीट के लिए मैं लिमिट ले लूँ 50,000 बाय 50,000 फीट, बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मेरे को छोटा सा साइज ज्यादा लेना पड़ता है। जैसे सपोज मेरा 30 फीट बाय 30 फीट का प्लान है तो मैं उसके लिए ले रहा हूँ यहाँ पे 35 फीट, 35 फीट। तो मैंने यहाँ पे अपर राइट कॉर्नर, गाइस ध्यान से स्क्रीन पे देखिएगा मेरा ग्राफ जो है वो थोड़ा चेंज होगा। जैसे मैंने क्लिक किया मेरा ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ गया और अब उसने एग्जैक्ट साइज ले लिया 35 फीट 35 फीट। 35 फीट बाय 35 फीट का मतलब क्या हो गया कि अब ये जो मेरी स्क्रीन है जो बाहर की स्क्रीन है सब लॉक हो गई है और सिर्फ मैं अंदर काम कर पाऊंगा। पर अभी ऐसा नहीं है, अभी आपने सिर्फ उसको लिमिट्स बताई हैं, अभी आपने लिमिट्स ऑन नहीं किए। इसका मतलब है कि अगर मैं अभी कुछ भी बनाता हूं बाहर तो ये बाहर भी ऑब्जेक्ट बनाएगा, लाइन कमांड से बनाऊँ किसी भी कमांड से बनाऊँ, और अंदर बनाता हूँ तो अंदर भी बनाएगा। बट अगर आप LIMITS लिमिट्स में जाते हैं, इसका एलियास है, और यहाँ जाके आप उसे ऑन कर देते हैं, 2014 से पहले वाले वर्जन में गाइस क्या था कि आप इस पर क्लिक नहीं कर सकते थे ऑन एंड ऑफ पे जाके। ऑन एंड ऑफ आपको लिखना होता था और जो भी चीज कैपिटल में लिखी होती है वो एलियास होता है। जैसे ऑन का एलियास ON है और ऑफ का एलियास OFF है, खाली O नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, या क्लिक भी कर सकते हैं या ऑन भी लिख सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे ऑन कर लिख देता हूँ, तो जैसे मैंने ऑन लिखा उसने मुझे क्या बोला कि मेरी लिमिट्स ऑन हो गई है। अब अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर बनाऊंगा तो वो नहीं बनेगा, यहाँ लिख के आएगा आउटसाइड लिमिट, बाहर नहीं बनेगा। बट हाँ अगर आप अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बनेगा, इसका मतलब आपकी लिमिट्स ऑन हो गई है। तो वापस अगर आप लिमिट्स में जाते हैं LIMITS और आप यहाँ जाके उसे ऑफ कर देते हैं, आपकी बार मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, जैसे मैं इसको ऑफ कर देता हूँ अब आप कुछ भी बनाएंगे तो बाहर बनेगा। तो आई होप गाइस आपको समझ आ गया हो कि लिमिट्स का क्या मतलब है। पहले आपने लिमिट्स उसको बताई फिर आपने उसे ऑन करी। अगर आप उसे खाली बता रहे हो ऑन नहीं कर रहे हो तो आपके पास फुल स्क्रीन है, आप कहीं भी कुछ भी बना सकते हैं। बट अगर आप उसको ऑन कर देते हैं तो आप एक स्पेसिफिक बाउंड्री के अंदर हो जाते हैं जिसके अंदर आपको काम करना होता है। आई होप आपको गाइज लिमिट्स समझ आई हो कि लिमिट्स कैसे सेट करते हैं। और अगर आपको लिमिट्स रिलेटेड या यूनिट्स रिलेटेड या मेन्यू बार से रिलेटेड या जूम से या पैन से रिलेटेड अभी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में प्लीज मेंशन कीजिए, और ऐसी शॉर्ट वीडियोस में बनाता रहूंगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज 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 कमेंट कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी नॉलेज और ज्यादा एनहेंस हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे और आप लोग उसको आगे चल के सीखते रहे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। थैंक यू।